हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBG स्टडी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर से एक नया टेस्ट जिसका नाम है डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो आज हम जानेंगे एक नए टेस्ट से कन्वर्जेंसी चेक करना। किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए डी एलेम्बर्ट रेशो लगाया जाता है। तो आज आपको इसी टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, इस टेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज़ डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या है और कैसे यूज़ करते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें the series summation of un of positive term is let को भी मान लिया हमने summation of un is equal to u1 plus u2 plus u3 प्लस डैश 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 यू एन प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो हमने इस सीरीज़ को माना है यू एन कोई भी एक सीरीज़ है, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। तो वो कन्वर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी, तो यही जानने के लिए हम डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। अगर जो इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सेकंड केस क्या है, इफ लिमिट n tends to infinity un by un plus 1 is smaller than 1। अगर ये smaller than 1 होते हैं, smaller than 1 आते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो then the series is divergent। तो जो ये सीरीज़ है वो divergent कहलाएगी इफ़ यू एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय यू एन प्लस 1 इज स्मॉलर देन 1। अगर ये एक से छोटी हो जाती है तो जो ये सीरीज़ होगी उसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय यू एन प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो यहाँ पे जो ये सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। और इसमें एक थर्ड केस भी बनता है जो मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय यू एन प्लस 1 इसमें ग्रेटर देन 1 हो गया, इसमें स्मॉलर देन 1 हो गया। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि अगर इक्वल्स टू 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू अगर 1 हो जाता है तो यहाँ पे देन डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल। तो यहाँ पे जो ये डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट है यहाँ पे फेल हो जाता है। और इसको कोई और सॉल्यूशन करता है, कोई और टेस्ट से फिर हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये डी एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट में क्या है, कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है इनफाइनाइट तक, उसमें क्या इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाय यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। जैसे कि यहाँ पे ये यू एन दिया हुआ है, जैसे भी एग्जांपल मैं आपको जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे हमने कोई भी यू एन ले लिया इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय टू एन प्लस 1। तो जैसे कि ये यू एन है इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा यू एन प्लस 1 से। तो यहाँ पे यू एन बाय यू एन प्लस 1 और इसके डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन, एन की जगह एन प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1। तो यहाँ से हम ऐसे और इसकी
हम चेक करेंगे यहाँ पे ये स्मॉलर देन वन आ रहा है, ग्रेटर देन वन आ रहा है या इक्वल्स टू वन आ रहा है, तो ऐसे हम यहाँ से इसको चेक करेंगे। तो डीएलएमबर्ट रेशो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है हमें यहाँ पे यू एन बाय यू एन प्लस वन निकालना है, जैसे कि यू एन बाय यू एन वन यू एन बाय यू एन प्लस वन निकाला और यहाँ से इसकी लिमिट हम लगा देंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर ग्रेटर देन वन आता है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर स्मॉलर देन वन आता है तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल्स टू वन आता है तो यहाँ पे डीएलएमबर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है, इसके बाद हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो सो मेरी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।